कल्याणी मंगला मधुरा मोक्षप्रदा पुण्य सलिला नर्मदा के पावन तीरे अत्यंत कल्याणकारी अमरकंटक तीर्थ में नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा की पूर्णता की और एक प्रकार से विसर्जन वेला की यह दिव्य छटा इस अवसर पर राष्ट्र ऋषि जिनके पास सभ्यता संस्कृति संस्कार और संवेदनाएं वे हैं जो आर्ष हैं जो निरंतर मानवीय सभ्यता के उत्कर्ष के लिए हैं करोड़ों हृदयों के सम्राट सभी मत पंथ संप्रदायों में जिनकी आज चर्चा है भारत विश्व गुरु बने और पूरे विश्व के राजनीतिक पटल पर जिन्होंने भारत को एक उच्चता श्रेष्ठता और एक शीर्षस्थ स्थान प्रदान कराया है ऐसी भारत की दिव्य विभूति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के एक ऐसे साधक जिन्होंने मध्य प्रदेश को संवारा है यहाँ के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री मंचस्थ सभी विभूतियाँ और इस अवसर पर इस मंच के वाम पार्श्व में बैठी धर्म सत्ता संत सत्ता भारत के सभी पूज्य प्रमुख संत और आप सब मुझे ऐसा लगता है कि ये शासक और उपासकों को एक साथ देखने का पल है। 11 दिसंबर के दिन जब ये यात्रा आरंभ हुई तब मैं यहाँ था। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि किस प्रकार से जो आज इसे जन समर्थन मिला है लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा नदी के रक्षण संवर्धन और पूरे पर्यावरण के संतुलन के लिए एक बड़ा अभियान बड़ा अनुष्ठान सिद्ध हुई है। हमारे जितने भी सारोकार हैं वो जल से हैं नीर से हैं नीर से ही नारायण है। आदि पुरुष भी नीर के आसपास ही पाया जाता है। प्रथम पुरुष की आदि पुरुष की अथवा पूर्व पुरुष की हम कल्पना करें नारायण की तो वो नीर में ही है। और ये सच है कि नारायण का नाम नीर से ही है और उनकी अर्धांगिनी नीरजा अथवा जितने भी आरंभिक अवतार हैं वे मीन अवतार हों कूर्मा अवतार हों कश्यप आदि जितने भी अवतार हैं ये जल से ही है। जल हमारी स्वाभाविक मांग है और वह हमारा जीवन है। इस जल की एक तरह से देखा जाए पूरी धरती पर अब भारी कमी है। कुछ लगभग 12 वर्ष पूर्व कुछ जल वैज्ञानिकों के साथ में बैठा था तब पता लगा था कि इस धरती पर 2% ही जल पीने योग्य है लेकिन अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस धरती पर 1% से भी कुछ कम पीने योग्य जल है। इस समय अगर मैं देखूं तो पहली इस धरती पर कोई बड़ी बड़ी चेतना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आई है तो वो जल के संरक्षण की आई है। वो पूरे विकास की ओर हैं भारत को एक नया रूप देना चाहते हैं पर वह गंगा की बात हो ब्रह्मपुत्र की बात हो उनके आशीष और अनुग्रह से अथवा उनके प्रेरणा से नर्मदा के संरक्षण की बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा देश जल की आराधना में एक बड़े अनुष्ठान में जुटा है। नर्मदा एक वो नदी है जिसके जिसके दर्शन मात्र से कल्याण बताया गया है। गंगा का स्नान यमुना का आचमन और नर्मदा का मात्र दर्शन ऐसा कहते हैं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो ऐसी नर्मदा के रक्षण के लिए
जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है वे अत्यंत मैं पर हाँ मध्य प्रदेश के वो भागीरथ सिद्ध हुए हैं और पिछले कुछ वर्षों में वो कुंभ रहा हो उनके अनेक अभियान रहे हों, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जैसे मानो विक्रमादित्य आया हो, फिर से मुझे ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन धरती पर आया हो। और ये सब संभव हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प के द्वारा। हम सब बहुत भाग्यवान हैं, इस समय हमें ऐसा प्रधानमंत्री अथवा ऐसी सरकार प्राप्त है जहाँ सर्वथा अनुकूलता है। मुझे अभी बहुत कुछ प्रमुख संत मिलने आए थे, आचार्य सभा के माध्यम से भारत के शीर्ष संतों के साथ बैठने का मेरा अवसर मुझे मिला, तो सभी संतों ने पिछले 3 दिन पहले मुझे कहा कि पूरी धरती भय मुक्त है प्रधानमंत्री की सोच के कारण। तो एक बड़ी बात है, वो अभ्यता दे रहे हैं, उनके सपने जिस ढंग के हैं, जिस ढंग से वो एक वातावरण बना रहे हैं, एक वो अपने में एक नवरचना कर रहे हैं, एक नया मुझे ऐसा लगता है रूपांतरण हो रहा है। और उसी श्रृंखला में ये नर्मदा का संरक्षण उनके ही सपनों का एक प्रकार से हिस्सा है। इस अवसर पर कुछ अधिक नहीं कहूँगा, हमारी संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, यह वह संस्कृति है जो चिरकाल से है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है, ये आद्यकाल से है, ईश्वर ने इसकी रचना की है। और जब जब कुछ इस प्रकार का एक गतिरोध आता है, जब कभी धर्म और संस्कृति अथवा संस्कारों के आसपास में शैथिल्य आता है, तब तब कोई एक सत्ता फिर से आती है। मैंने शास्त्रों में कुछ पढ़ा है, महापुरुषों से सुना है कि अवतार भी अनेक प्रकार से होते हैं, और वो आवेश अवतार, एक कोई आवेग अवतार अथवा रूप कला अवतार, गुणावतार। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूँ, कि धरती में इस समय भारत की धरती पर एक विकास का अवतार हुआ है। उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी की कल्पना की जा रही है, स्वच्छता की कल्पना की जा रही है, आरोग्यता की कल्पना की जा रही है, और उसी क्रम में यह नर्मदा नदी के संरक्षण की बात। इस धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से ये मॉड्यूल, इस प्रकार का एक प्रारूप पूरे देश में जाएगा। मैं बहुत ही आशान्वित हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उनके सभी सहयोगियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर शुभकामनाएँ देता हूँ कि भारत को वो संवारने में लगे हैं, भारत और भारत माता उनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसा जानकर हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हम सब संत अभिभूत हैं और अत्यंत आश्वस्त हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अभियान के लिए, ऐसा अभियान अनेक और स्थानों पर चले, ऐसी इस आशा और विश्वास के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को इस नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा की संपन्नता और पूर्णता पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच के साथ बैठे वाम पार्श्व में पूज्य संतों को भी प्रणाम करता हूं।